वहाँ से मेरा हेयर फॉल सीवियर हुआ। मैंने इसको रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने फिर कुछ दिन बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, मैंने बहुत सी वेबसाइट्स पे चेक किया, तो आज मैं हैदराबाद न जाके सीधा यहाँ पर आया हूँ बेंगलोर से अपने ट्रांसप्लांट के लिए। मेरा नाम उत्सव सिंह है और मैं बेंगलोर से आया हूँ। मेरी हेयर फॉल वैसे तो बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन 2022 में मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ, वहाँ से मेरा हेयर फॉल सीवियर हुआ। मैंने इसको रोकने के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बायोटीन्स वगैरह लिया, मिनोक्सिडिल भी यूज़ करता रहा। कुछ दिन तक बालों को इफ़ेक्ट पड़ा भी, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद मेरे आगे का सेक्शन बहुत खाली होने लगा, जिससे मेरा लुक बहुत प्रभावित होने लगा। फिर कुछ दिन बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोचा, मैंने बहुत सी वेबसाइट्स पे चेक किया, फिर मुझे QST क्लिनिक के बारे में पता चला। मैंने राजपाल यादव जी को मैं जानता हूँ, तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी, तो उसके थ्रू मुझे पता चला कि QST क्लिनिक में जाना चाहिए। तो आज मैं हैदराबाद न जाके सीधा यहाँ पर आया हूँ बेंगलोर से अपने ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने हेयर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सी होम रेमेडीज़ का भी यूज़ किया। मुझे कुछ दिन तक फ़ायदा भी हुआ, लेकिन एक टाइम अप पे आने के बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, जिन्होंने मुझे मेडिसिन्स भी दी, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। फिर धीरे धीरे करके मेरे आगे का सेक्शन बहुत खाली होने लगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता चला गया। फिर मेरे हेयर स्टाइल्स एक ही रखना पड़ा मजबूरी में मुझे। फिर मुझे मेरे दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने बोला कि आज के टाइम पे एडवांस टेक्निक आ गई, जिससे तुम ट्रांसप्लांट आप करा सकते हैं। तो इसलिए मैं ट्रांसप्लांट के लिए सोचा मैंने, और मैं QST क्लिनिक चलाया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QST को चूज़ करने का मेन रीज़न था, मैंने बहुत सी वेबसाइट्स और बहुत से लोकल क्लिनिक पर भी पता किया था। एक तो इनके रेट्स बहुत जेन्युइन हैं, जो कि इनके साथ मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता है। दूसरा, इनके यहाँ बहुत अच्छे लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया है, जिसका रिज़ल्ट हम सबको दिखता है। आप YouTube पे जाकर आसानी से देख सकते हैं, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और इनकी एक न्यू टेक्निक है QST, जो इनके द्वारा ही इन्वेंट की गई है। वो सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं QST पर ही आऊँगा। QST क्लिनिक से कंसल्ट करने के बाद मुझे यहाँ से कॉल बैक आया। कॉल बैक आने के बाद उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आपकी हेयर फॉल जर्नी क्या है, किस तरह से आपको ट्रांसप्लांट कराने का सोचना पड़ा। मैंने वो सारी जर्नी उनको बताई। उन्होंने मुझे टेस्ट सजेस्ट किए और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था टीम का। वो डेली कंसल्ट करते थे मुझसे ट्रांसप्लांट के आने से पहले भी उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे बारे में फॉलो अप लेते रहे। तो टीम कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी गुड। सो एक वजह ये भी है कि मैं QST की तरफ आया। कंसल्टेशन के बाद जो मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे, मुझे डॉक्टर ने 2000 to 2400 ग्राफ सजेस्ट किया है। वो फाइनली तब पता चलेगा जब मैं OT में जाऊंगा। और मेरे कुछ क्वेरीज हैं जिसको लेके मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, तो मैं डॉक्टर से अभी कंसल्ट करने जाऊंगा, तो उनसे पूछूंगा। हाँ, मैं अपने ऑपरेशन को लेके थोड़ा सा नर्वस ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे QST टीम पर पूरा भरोसा है। एंड मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आगे का जर्नी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू। आज सर्जरी कंप्लीट हो गई है। मुझे 2400 ग्राफ्स डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, उतने ही ग्राफ्ट मुझे लगे और जैसा मुझे लुक चाहिए था बिल्कुल डॉक्टर ने वैसा ही बनाया। और डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रखा हमारे साथ। बीच बीच में पूछते रहे वॉशरूम के लिए और पानी पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट भी दिया गया मुझे। और हर मिनट पूछा करते थे कि पेन तो नहीं हो रहा है आपको, अगर पेन होता था तो सडन उस पर एक्शन भी लिया जा रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा QST के साथ में। और डॉक्टर ने कुछ मुझे सजेशन भी दिया है, मुझे बोला है कि आपको 21 डेज तक नॉनवेज एंड स्पाइसी फूड्स नहीं खाना है, जो कि मैं फॉलो करूंगा। और कहीं भी बाहर निकलना है तो हेयर मास्क लगा के चलना है, इसको भी मैं फॉलो करूंगा। OT का माहौल काफ़ी इंजॉइंग था, लोग बहुत सपोर्टिव थे।
मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मेरी ओवरऑल सर्जरी यहाँ पे बहुत अच्छी रही, बिल्कुल स्मूथ। मैं पहले बहुत डर रहा था कि बहुत सारा पेन होगा, लेकिन मुझे ज़रा सा भी पेन नहीं हुआ। इवन मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे सर पे ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग QST आइए, एक बार यहाँ पर आकर देखिए, 100% आपको यही रिज़ल्ट मिलेगा जो मुझे मिला है। मैं भी बहुत दूर से आया हूँ और मैंने भी YouTube पे वीडियोस देखा था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं और ना जाके यहीं पर आऊँगा। अभी इसके बाद मुझे PRP के लिए आना है। चलिए मिलते हैं अपने फर्स्ट PRP सेशन के बाद, देखते हैं ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहेगा। थैंक्स टू QST एंड ऑल द टीम, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।